आलात की कमी का जो है वो सामना करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से जो है अब तक ये आग को जो है कंट्रोल नहीं किया गया। सर मुकम्मल काबू कर लिए, सब बुझा दिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आग पे पूरा कंट्रोल कर लिया है केएमसी के फायर डिपार्टमेंट ने। ये तकरीबन 5:10 पे हमें रिपोर्ट हुआ था, और 5:11 पे हमारी वहां से रवानगी मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें टाइम नहीं लगा, हमारे 4 फायर टेंडर पहुंच गए थे। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि रेस्क्यू के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट होना चाहिए केएमसी के पास वो नहीं है। बारहा लिख के दिया फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को इक्विपमेंट की जरूरत है, मगर आज तक फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को कोई इक्विपमेंट के लिए ना फंड्स दिए गए हैं ना इक्विपमेंट खरीद के दिया गया है। हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने 40 लोगों को रेस्क्यू किया बिल्डिंग से। अब तिजारती लोगों को के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि जो बिल्डिंग्स में तिजारत कर रहे हैं बैठ के, ये 12-13 फ्लोर की बिल्डिंगें बना तो लेते हैं मगर फायर एग्जिट कोई नहीं है। इसमें फायर एग्जिट होना चाहिए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट की ये गलतियां हैं सारी कि आप कैसे एनओसी दे देते हो, कैसे परमिशन दे देते हो विदाउट फायर एग्जिट। सारी खिड़कियां बंद की हुई हैं, सील की हुई हैं, धुआं कहां से निकलेगा। तो ये इनकी भी जिम्मेदारी है, अवाम की भी जिम्मेदारी है जो यहां कारोबार कर रहे हैं, जो मुखैर हजरात हैं। कंप्लेन तो बहुत आसान है करना, मगर आपने अपना घर देखा है, ऊपर बिल्डिंग में जनरेटर्स रखे हुए हैं जिसके अंदर डीजल है, जनरेटर का स्टॉक रखा हुआ है जिसके अंदर डीजल है, 10-10 कंटेनर्स, 5-5 कंटेनर्स हर ऑफिस में डीजल रखा हुआ है। खुदा ना खास्ता आग लग जाएगी तो ये तो इलीगल है सारा। तो खुद भी अपने आप को भी देखें। फायर डिपार्टमेंट को शाबाश दूंगा मैं केएमसी की कि उसने अपनी जानों पे खेल के 40 आदमियों को रेस्क्यू किया है। इक्विपमेंट के बगैर, हमारे फायर डिपार्टमेंट के पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं ये 2 साल से सीख रहा हूं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये आग केएमसी के फायरमैन ने, रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने, हमारे जो भी फायर टेंडर अवेलेबल हैं उन्होंने बुझाई है। इस वक्त आग कंप्लीट तौर पे, मुकम्मल तौर पे बुझ चुकी है। अच्छा ये बताएं कि केवल दशहरे का दारा है जो अपने इंस्ट्रूमेंट लगाता है हर बिल्डिंग के अंदर, आजकल तो सब जगह ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, उसकी जिम्मेदारी बनती है सिविल डिफेंस, उसकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने तो आपको बताया कि फायर एग्जिट ही नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, अगर लगे हुए भी हैं तो एक्सपायर्ड हैं। सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी बनती है कि हर ऑफिस को चेक किया जाए, ऑफिस की अपनी जिम्मेदारी बनती है। कारोबार तो कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, मगर ये एहतियाती तदाबीर भी तो की जानी चाहिए कि खुदा ना खास्ता माली और जानी नुकसान ना हो अगर आग लग जाए तो। ये कोई नहीं करता, ये सिर्फ जिम्मेदारी डाल दी जाती है। तो ये ताजिर बरादरी पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने जहां तिजारत कर रहे हैं बैठ के, वहां ये सारी सेफ्टी जो मेजर्स हैं उसको देखा जाए, उसको किया जाए। ये कितना नुकसान हुआ है रोज ही तकरीबन आग लगती है कहीं ना कहीं छोटी बड़ी, और यही फायर डिपार्टमेंट है इन्हीं जो वसाइल हैं उसमें रहते हुए पूरी कोशिश करता है कि आग जल्द से जल्द बुझाई जाए, और जो कि हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ये तो कोई जादूगर ही बता सकेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, अभी सीमेंट करेंगे।